बस्तर के सिलगेर में मचे बवाल को लेकर अब लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या मानसून के दौरान कोरोना काल के बीच ये हजारों की संख्या में भीड़ अब भी आंदोलन करेगी या अब ये लोग आंदोलन को छोड़कर वापस अपने गांव में लौटेंगे। बस्तर लिसनर की टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट की, ग्रामीणों से बातचीत की कि ग्रामीणों के प्रदर्शन स्थल से लौटने की कितनी सच्चाई है और किन परिस्थितियों में ये सारी बातें सामने आ रही हैं। इसी तरह बस्तर के कई अहम मुद्दों पर ग्राउंड रिपोर्ट देखने और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल बस्तर लिसनर को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कर वीडियो को शेयर जरूर करें। मानसून का समय चालू हो गया है और मौसम के बदलाव के साथ साथ में बस्तर में जो एक बड़ा आंदोलन चल रहा था उसके स्वरूप में भी बदलाव हुआ है। आइए हम जानते हैं क्या कारण है और किन परिस्थितियों में इस बड़े आंदोलन का स्वरूप बदला जिससे की नज़र पूरे प्रदेश भर में। सोनी सोनी जी हमारे साथ हैं, हम जानेंगे ये जो आंदोलन है इसका स्वरूप अब धीरे धीरे बदल रहा है, क्या आज निर्णय लिया गया है यहाँ पर, इसके बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे। देखिए ये आंदोलन को बार बार ये बातें आ रही ना कि आंदोलन खत्म हो गया, आंदोलन समाप्त है, आंदोलन खत्म नहीं हो सकता। वो बोले यहाँ संख्या की जो भीड़ है वो जो जनसभा के रूप में बहुत तादादों में भीड़ है वो आज के दिन समाप्त करके वो लोग अपने घर जाएंगे, लेकिन कुछ जो लोग हमारे ग्रामीण यहाँ लड़ने वाले वो लोग रहेंगे पर उसका जगह बदल सकता है, वो सुकमा में धरना के रूप में वहाँ पर इसके किया जा सकता है। और दूसरा ये कि भूपेश बघेल के पास भी यहाँ की जो टीम इस आंदोलनकारी की जो टीम गठित हुई है वो टीम भूपेश बघेल जी से भी मिलने आज तो नहीं कल शाम तक यहाँ से रवानी होगी, वहाँ बातचीत करेगी और वहाँ क्या बात भूपेश सरकार ने उनको रखते हैं क्या बोलते हैं ये कमेटी कल शाम तक यहाँ से निकल रही है। हजारों की संख्या में यहाँ पर जमावड़ा हुआ था, एक बड़ा आंदोलन जिस पर पूरे देश की नज़र थी मेरे हिसाब से, लगातार जो चर्चा चल रहा था इस आंदोलन का, अब किन परिस्थितियों में इसका स्वरूप बदल रहा है? क्योंकि कोरोना, अब आप बताइए, आप लोग खुद ही तो सोचिए कि आप लोग आने नहीं दिया जा रहा है, पूरे उसूर ब्लॉक को ब्लॉक कर दिया गया है और कोरोना का इतना महामारी बीमारी को ला के ये बता रहे हैं कि मतलब देखो उनके उनके ऊपर भी एक कोरोना जैसे बीमारी फैल रहा है, कहाँ कहाँ की कल रिकॉर्ड कर कलेक्टर सर ने खुद बता रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि हमको भी थोड़ा सा भयभीत है ना हमारे जन समुदाय पर, ये कोरोना जैसे चीज़ें इतने भीड़ में कहीं ना फैल जाए, कुछ ऐसा ना उस कंडीशन को भी उस हालात को भी देखते हुए हम लोग ने चर्चा किया है कमेटी से। कोरोना के साथ साथ में मौसम का भी प्रभाव इसमें, मौसम का तो है ही है, पानी तो गिर रहा है लेकिन मौसम से डरने वाले लोग नहीं है, वो तो कह रहे थे कि कितना भी बरसात आए कुछ भी आए हम भीगते हुए भी अपनी संघर्ष को जारी रखेंगे लड़ेंगे, लेकिन कुछ लोग खेती बाड़ी कर रहे थे अदल बदल हो रहे थे, लेकिन उससे बड़ा चीज़ है थी कोरोना का तो है। अभी क्या आगे का क्या निष्कर्ष रहेगा, आगे क्या स्वरूप रहेगा? देखिए आज अगर ये भीड़ चले गई तो क्या कल नहीं आएगी, ये लड़ाई नहीं लड़ेगी, संख्या यहाँ जमा नहीं हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि आज सरकार ने आज बोल दिया और खत्म होगा इसका, बस्तर में कोई अन्याय नहीं होगा, यहाँ तो हर रोज़ अन्याय होता है। अगर ऐसा ही फिर इनकी अगर विश्वास के साथ घात किया गया और उनको जो सिलगेर में कैंप है वो ना हटी और उस सिलगेर में जो लोग तीन भाई और हमारी बहन की जो मौत हुई उनका इंसाफ नहीं मिला, इससे भी ज़्यादा तागत भीड़ वापस फिर लौट के यहाँ क्यों करेंगे, इसके बाद सीधा बस्तर संभाग को घेर देंगे, सीधा बस्तर संभाग में पैदल मार्च करते आगे निकलेंगे। अभी तक तो जंगल में हमारे लोग 25-26 दिन से थे ना डटे रहे, आप लोग की वजह से थोड़ा बहुत यहाँ की कब्र बाहर गई, तो हो सकता है कि अगर इतना जितना जल्दी जांच ना हो इनकी उसके जांच के हिसाब से उनको इंसाफ दिलाने में सरकार मदद नहीं की तो ये जो सभा है ये सभा के जितने लोग हैं जो देख रहे हैं ये हो सकता है ये लोग जंगल से निकल के मैदानों में अपना ऐलान करके आवाज़ दे सकते हैं। सरकार को जो 6 सूत्री मांगे रखी गई थी उनमें से एक मांग ये भी थी कि कैंप को हटाया जाए, जिस पर सरकार का स्पष्टीकरण बयान आया है कि कैंप तो नहीं हटाया जा सकता। एक बात बताइए सरकार कितना बोले, सरकार का जमीन नहीं है वो किसान की जमीन है, सरकार वहाँ बैठ के बोलेगा कि उसको नहीं हटा सकते ये नहीं हो सकता, जांच होनी चाहिए, हम जांच की बात कर रहे हैं, जांच में अगर किसान की जमीन आ गई सरकार तो क्या उसको हटाना ही पड़ेगा, अगर सरकार नहीं हटाई तो आज जो इतना जनसभा देख रहे हैं ये लोग क्या अपने हाथों में हाथ धरे बैठे रहेंगे, वो कैंप को वहाँ तक उठाने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, जो कांड 17 तारीख हुआ हो सकता है उससे भयानक कांड हो सकता है, तो सरकार को इस बात को समझनी होगी। अगर वो किसान की जमीन, किसान कह रहा है कि मैं कोसरा बोता था धान बोता था, अगर आज वो क्या खेती करेगा बताइए, वो लोग कैंप लगाने से उसका पूरा जीवन नष्ट हो रहा है, तो इसके लिए सरकार को सोचनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है, लेकिन हम बह रहे लीगल रूप से जाँच होनी चाहिए, जाँच में किसान की जमीन आ गई और वो बातें निकल के बाहर आएगी ऑटोमेटिक सरकार को घुटना टेकना पड़ेगा कैंप।
तो जिस तरह से मानसून का मौसम शुरू हो गया है, जून चालू हो गया, वैसे वैसे आंदोलन में भी बदलाव आया, स्वरूप बदला है। जन समुदाय जो बड़ा बस्तर में आंदोलन कर रहा था उसका एक स्वरूप बदलेगा। विरोध प्रदर्शन का जो स्थल है वो अब बिल्कुल खाली हो जाएगा और एक नए स्वरूप के साथ इस आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। हमारे बस्तर लिसनर को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें और लगातार इस तरह के मुद्दों से हम जोड़ के रखेंगे।